Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So, today's topic is some adventures. Learning topics Sports and activities, mountaineering, Indians on Mount Everest, preparing for a trek, mountaineers training. Sports and activities, trekking, walking for miles in a hill station, crossing thick growths of trees is called trekking. One can go trekking and enjoy the forest life, its flora and fauna. We may discover some very beautiful sights and scenes while trekking. Trekking equipments and tents are available in hire in most hill stations. तो आपकी trekking जो कि एक sports activity है, इसमें आप hill stations पे, यानि कि पहाड़ी इलाकों पे आप पैदल चलते हैं, बहुत दूर तक. और रास्ते में आपको काफी सारी खूबसूरत scenery जैसे कि mountains हो गए, rivers हो गए, वो भी देखने को मिलती हैं.

डाइविंग डाइविंग इज द एक्टिविटी और स्पॉट ऑफ जंपिंग इन टू वॉटर और स्विमिंग अंडर द सर्फिस ऑफ द सी अक एक्सेट्रा डाइविंग इन द ओशन वाटर वाटर मरीन लाइफ दिस इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग तो वाटर डाइविंग यानी कि स्कूबा डाइविंग जो होती है ये वो लोग करते हैं जिनको अंडर वाटर समुद्र में या फिर तालाब में या लेक में अंडर वाटर मरीन लाइफ जो होती है एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो देखने को मिलती है पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग इज एन एडवेंचरस स्पोर्ट इन विच अ पर्सन जम्प फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हाई प्लेस वेयरिंग अ वाइट रेक्टेंगुलर स्टेरेबल पैराशूट तो पैराग्लाइडिंग होती है आपकी बहुत ज़्यादा हाइट से या फिर आपको बहुत ऊपर से भेजा जाता है स्पेस क्राफ्ट से जंप करवाया जाता है आपके पास एक पैराशूट भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप आसानी से लैंडिंग कर सकते हैं

माउंटेनियरिंग एज ए स्पॉट हैज बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनी माउंटेनियर्स गेट अट्रैक्टेड टू द हिमालय एज दे है वर्ल्ड हाईस्ट पीक तो माउंटेनियरिंग आपकी वो एक्टिविटी है जिसमें जो uh, लोग होते हैं उनको माउंटेन्स क्लाइंब करने का बहुत ज्यादा शौक होता है अलग अलग टाइप की जो माउंटेन रेंजेस होती है जैसे हिमालयाज हो गए ऐसी ऐसी हाइएस्ट पीक्स पे ये लोग जाते हैं इंडियंस ऑन माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल थी वो सबसे पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन फिफ्थ इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी एट मीटर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन ट्वेंटी थर्ड 1984 नाइनटीन एटी फोर शी वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली तो वो भारतीय पहली महिला बनी और पूरी दुनिया में पांचवें नंबर पे आई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंची पीक है Along with studies, she always nurtured her aim of climbing the mountains. In 1982, she climbed Gangotri Glacier 6,672 meters and Ror Ghera 5,819 meters. This boosted her self-confidence. In 1983, a conference of mountaineers was held in Delhi. There she pledged that she would also climb Mount Everest one day. Finally, she managed to scale Mount Everest on 23rd May 1984 with her colleague ang dorji after conquering mount everest she hoisted the tricolor there it was a moment of pride and honor for all indians she also led an all women rafting expedition across 2500 kilometers on the river ganga from haridwar to kolkata she also led the 400 kilometer himalayan traverse a journey that lasted for 7 Months. तो आपकी जो बचेंद्री पाल थी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने से पहले दो अलग अलग ग्लेशियर्स को भी क्लाइम करा था जिसके बाद उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट जरूर क्लाइम करूंगी उन्होंने जब फाइनली माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया वो पीक तक पहुंच गई वहां पर उन्होंने हमारे देश का जो झंडा है ट्राई कलर फ्लैग उसको वहां पर फहराया की फैक्ट On 29th May 1953, Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal became the first human beings to reach the peak of the Mount Everest. So, Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay of Nepal were the first humans to Mount their journey to the peak tak apni journey complete. Everest. Number 2, Santosh Yadav, the only woman to scale Mount Everest twice. Santosh Yadav is the only woman in the world who has climbed the Mount Everest twice. In May 1992, she first climbed the peak and did it again in May 1993. She was born in Rewari district of Haryana in 1969. While studying, she prepared herself to climb two greatest peaks in life, namely Indian paramilitary services and mountaineering. She achieved her target successfully in both. She received the Padma Shri Award. At present, she is an officer in Indo-Tibetan Border Police. Both Bachendri Pal and Santosh Yadav have proved that discipline, leadership, humility, courage, and self-confidence are the virtues they are born with. Santosh Yadav, आपकी Puri दुनिया पहली ऐसी या इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार क्लाइंब करा इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और ये दोनों जो तो संतोष यादव और बचेंद्री पाल हैं वो हमें बताती हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है ह्यूमिलिटी है अपने पे कॉन्फिडेंस ह्यूमिलिटी डेडिकेशन है तो आप कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रैक One needs to make many preparations before going on a trek. One should have a certain level of physical fitness. For that, one needs to exercise for months before going on the trip. हाउ एवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट वन नीड्स टू पोजेस्ट टू बी अ माउंटेयर आर मॉडरेट इन्ड्योरेंस एंथुजियाज्म एंड लव फॉर द माउंटेन्स तो अगर आपको ट्रैक करना है माउंटेनियरिंग करनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रेपरेशन करनी पड़ती हैं फिजिकली भी और मेंटली भी लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डेडिकेटेड हैं आपके में एंथजियाज्म है और इंड्योरेंस हैं इनके बगैर आप ऐसी कोई भी स्पॉर्ट एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे elaborate equipment is not needed to climb up most mountains however rock climbing requires special equipments like ropes torches and pitons a piton is a metal spike with an eye through which a rope can be passed ऑन लॉन्ग ट्रैक्स माउंटेयर्स नीड टू कैरी इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटीरियल्स टू मेक फूड तो आपको ज़्यादातर माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन कई ऐसे रॉक माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर आपको टॉर्चेस की रोप की पिटन्स की जरूरत होती है और कई सारी जो लम्बे लंबे ट्रैक होते हैं वहाँ पर आपको रॉ मटीरियल जाने की जरूरत होती है जिससे कि आप आराम से अपना खाना बना सकते हैं Mountaineers have to wear very good footwear. They should ideally wear shoes with thick rubber soles to get ankle support. They should wear loose but well fitting clothes. They should wear clothes of sober color so that they can blend into their surroundings. माउंटेनियर्स का लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे क्वालिटी के शूज पहने थिक रबर वाले जिससे आपको एंकल को सपोर्ट मिल पाए और आप अच्छे से अपना ट्रैकिंग का सफर पूरा कर पाए साथ ही साथ जो आपके कपड़े होने चाहिए वो लूज लेकिन अच्छे से फिटिंग भी होने चाहिए और लाइट कलर्स आपको पहनने चाहिए माउंटेनियर्स ट्रेनिंग इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF एम एफ इज द ए पिक्स नेशनल बॉडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर एक्सपेडिशन फॉर माउंटेयरिंग